तारी की राहों पर खरा वही इंसान, भले बुरे की समझ जिसे है लोगों की पहचान। दाना पानी की तलाश में तरह तरह के लोग, प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर हो जाते हम लोग। सभी सगे संगाती अपने कोई नहीं, पर खरा वही इंसान, भले बुरे की समझ जिसे है लोगों की पहचान, लोगों की पहचान। कौन है रे? आजा सामने, जरा हम भी तो देखें। अरे मेरा नाम है हारू की रानी, हारू की रानी। मुझसे डरती है विक्टोरिया महारानी। लूटे हम, लूटे हम, आज बनकर लूटे हम। हम जान की बाजी लगाकर। अच्छा बापू, तुम डरे नहीं? डर? अरे डर किस चिड़िया का नाम है, अपने को आज तक नहीं मालूम। फिर डाकुओं ने क्या किया? अरे करते क्या, भाग गए सारे डर के मारे। अच्छा बापू, डाकुओं ने तुम्हें मार नहीं? हाँ मारा, वो धुलाई की मेरी, वो धुलाई की। मूर्ख कहीं का, भरते कैसे, भाग जो गए। सुनिए, अजी रात कितनी हुई, कुछ होश भी है? रात? हाँ? अभी अभी तो शाम हुई है। शाम? तुम सपने देख रही हो क्या? और फिर बैठ गए बच्चों को लेके उल्टे सीधे गप्पे सुनाने। क्या कहती हो तुम, जीते जागते सच को गप्पे कहती हो? सच को भला मैं गप्पे क्यों कहूँ? अब मेहरबानी करके वहां से उठिए, ठूसिए और मुझे छुट्टी दीजिए। क्यों रे, क्या बात है, जम के बैठ गए? लाओ छड़ी या उठोगी भी? पढ़ने लिखने का मन नहीं, यहाँ आके बैठ के फजूल के गप्पे सुनने? जाओ। अरे यार बुढ़ा, तू आदमी भला, चेहरे से न कुछ ऐसा ढला, फिर भी न चाहूं तुझे जाने की। कौन कौन लोग? डाकू आए लिए मशाल, डर के मारे हूँ बेहाल। गहरी रात खूब अंधेरा, दबोचे गर्दन घोटे गला, आए आए डाकू आए। क्यों जी, क्या बात है, इस तरह खड़े क्यों हो डर के मारे? हाय राम, क्या हो गया इन्हें? अजय देवर जी, रुना, सुधा, इधर तो आना, देखना क्या हो गया इन्हें। क्या बात है भाभी? अपने भैया को देखना, क्या हो गया इन्हें? क्या हो गया माँ? भगवान जाने कैसी आफत आ गई हम पर, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा माँ, बापू यहाँ क्यों लेटे हैं? माँ बापू को जरा गुदगुदी दो। शैतान कहीं की। भैया, भैया सुन रहे हो? क्या हो गया तुम्हें, कोई तकलीफ है क्या? डाकू, डाकू
दिमाग तो नहीं फिर गया तुम्हारा? दिमाग फिर गया? दूर वहां मशाल की रोशनी किस लिए? मशाल? अरे कैसी मशाल, कहाँ है रोशनी? कितनी बार कहा है कि रात को पेट भर के मत खाया करो। पेट ठुसके खाते हो और फिर झपकी लेते हुए अपनी दो आंखों से अगड़म बगड़म ना जाने क्या क्या देखते हो। क्या मैं अगड़म बगड़म देखता हूँ? अभी अभी उस तरफ मशाल की जो रोशनी दिखाई पड़ी वो क्या थी? कहाँ, किधर? अरे देखो देखो, खिड़की से झांक कर तो देखो, अभी पता चल जाएगा। कहाँ? अरे मैंने साफ साफ देखा, जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है। अरे भला इसमें हंसने की क्या बात है? जलती मशालें मतलब दौड़ते हुए डाकू, यानी उड़ती बकरियां, जिंदा हो उठ बैठी मौमी। ओह भैया तुम भी अजीब हो। अरे क्या अजीब है? अरे वो तो अपने घर की बिल्ली है, वहाँ डाल पर बैठी है, रात में बिल्ली की आंखें मशाल की तरह जलती है, इतना तो जानते हो। देवर जी चलिए जाके सो जाइए, इन्होंने तो हद कर दी, चलिए। अरे अजीब बात है, थे डाकू हो गए बिल्ली। ऐसा ही होता है बापू, था अंडा हो गया पकपकिया हाश, पेट से गया बछड़ा खाने लगा घास, ऐसे तो होते ही रहता है अक्सर। कौन कब किसकी रखता है खबर? हरुदा लपकिए, 9-5 वाली नहीं मिली तो गई भैंस पानी में। अरे छोड़ भाई, दफ्तर तो हर रोज ही है। हाँ हाँ, आपको क्या, आप ठहरे बड़े बाबू। एक आध घंटा लेट भी हो गए कोई बात नहीं, पर अपन लोगों के 2-4 मिनट ही पूरी लुटिया ही ले डूबेगी। तभी तो कहता हूँ डाकू बनो डाकू। डाकू? इसके सिवा और कोई चारा नहीं। आप तो बस डाकू डाकू रट के ही पागल होंगे। अरे पागल होने में अब देरी क्या है? क्यों, कल अपनी इन दोनों आंखों से साफ साफ देखा। क्या? डाकू घर तक पहुंच गया, फिर अचानक बिल्ली बन गया। अच्छा हारूदा, सबसे पहले कौन हुआ, डाकू न बिल्ली हुई? अरे भाई मेरा भी तो यही सवाल है, ताज्जुब है। तुम सोचो, मैं बढ़ता हूँ आगे। ठीक है, बिल्ली अगर डाकू बने, डाकू क्यों ना बिल्ली हो। दीदी दीदी बात छूटे तो आप कोई और खेल खेले? कौन सा? डाकू टाकू खेले? बुद्धू कहेगा, लड़कियां कहीं डाकू होती हैं क्या? तुम लोग झूलो, हम लोग डाकू टाकू खेलते हैं। इतने कम लोगों में कहीं डाकू टाकू खेला जाता है क्या? पता है कल हमारे घर डाकू आया था। अच्छा? अरे सच्ची, देखा तुम लोगों ने? कुछ किया क्या? कल नहीं पाया कुछ, उसके पहले बिल्ली बन गया। ओह बिल्ली बन गया। अरे छोड़ नाड़ू की बातें, वह ऐसा कि कल बापू अंधेरे में एक बिल्ली को देखकर चकरा गए, बाद में बोले वो डाकू था। अरे भाई डाकू आएगा तो पहले से ही खबर करेगा ना, वो तो रघु डाकू किया करता था। पहले के जमाने में सभी डाकू इसी तरह डाका करते थे। तुझे देखा था क्या? ले सुन इसकी बात। अरे बुद्धू मैं कहाँ से देखता, बापू दादाजी से कहानियाँ सुनी है डाकुओं की। किसी डाकू की कहानी सुनाओ ना बिनुदा। हाँ बिनता हो जाए। डाकू कहानी सुनोगे तो रात में सो नहीं पाओगे। मैं नहीं देता, माँ के पास सोता हूँ। मल्लिक बागान के अमृत का क्या होगा? अरे हाँ बिल्कुल याद ही नहीं रहा। चलो 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 चलो।
अरे भगलू के बहिनिया और मंगरू के बेटिया। गुप्पी अब भीतर कैसे जाएंगे? गेट पर तो पट्टा दरबान बैठा है। अरे भगलू के अच्छी आफत है ना, अब क्या किया जाए बोल। अच्छा बेबी दीदी, गेट पर दरबान क्यों बैठा है रे? लगता है बगीचे का माली बहुत ही मक्खी चूस है, तभी उसने गेट पर दरबान बैठा रखा है। रुको मैं अभी देखकर आ रहा हूँ। गुप्पी बड़ा होशियारी से। अच्छा नारू, दरबान अगर पकड़ ले तो क्या करेगा हमारा? मार डालेगा पूरा का पूरा। आधा ही मारता है, दरबान में नया नया आया है, कैसे क्या करेगा अब कुछ बताना मुश्किल है। आधा मारेगा तो बहुत ही दिक्कत होगी। क्यों? आधे को मारने से बाकी आधा भी मर जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि एक मगर एक बकरी का आधा हिस्सा खा गया, फिर बाकी का आधा हिस्सा भी मर गया। ओफो, कितनी तकलीफ पहुंची होगी उस बाकी आधे को। गुप्पी जरा होशियारी से, दरबान को पता चल गया तो फिर समझ लो खैर नहीं। पता देखने में तो डाकू जैसा लगता है। शायद पहले डाकू ही था, बाद में दरबान बना। सुन, मिल गई जगह, उधर उस तरफ। पहले हम दोनों घुसते हैं उसमें, मैं और भूलो। बहनियार मंगरू के बिटिया, अरे भगलू के बहनिया मंगरू के बिटिया, छररररे भगलू के बहनिया। तरे तरे ठीक ठाक चल रही है ना? ये भी कोई पूछने की बात है बाबूजी। पूछने की तो बात नहीं है, पर फिर भी पूछना ही पड़ता है। फल दिन पर दिन कुछ घटते ही जा रहे हैं आजकल। किसी जीन का काम लगता है बाबूजी। तुम भी खूब कहते हो। अरे भाई जिन कोई फल तो थोड़े ही है जो हमारे पेड़ के फल खाने आएगा यहाँ। यहाँ या कारास्तानी उस मोहल्ले के बच्चों की है, उन्हें जरा सबक सिखाने की जरूरत है। सकोगे? क्यों नहीं सकेंगे, अलबत्त सकेंगे। आप हमें पहचानते नहीं है बाबूजी। क्यों, तुम्हें कोई खास बात है क्या? दस हाथ वाले हो? अरे नहीं बाबूजी, भला इस जरा से काम के लिए इतने हाथों की क्या जरूरत है? अपने दो हाथ ही बहुत है, लेकिन हाँ हमारा एक खून है ना, बहुत रईस है बाबूजी। अच्छा जी बाबूजी, हमारे दादा के दादाजी रहे ना, बहुत बड़े आदमी रहे। वो सिपाही म्यूटनी में तलवार चलाई रही। तब तो फिक्र की कोई बात नहीं, अब तुम आराम से खैनी दाबो। हाँ बाबूजी। तनी ठीक है ठीक है। वो झरी अमरूद लेके कूदा नहीं जाएगा तो फिर चल दरवान के सामने से ही चलते हैं। अगर कुछ बोला तो कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, अच्छे हो ना? हाँ जी हाँ। वो क्या है? अमरूद है, खाओगे? दो एक ठो। ये लो खाओ आराम से, चलो चल जल्दी से। खतरनाक छोकरे हैं। थुप थुप, हमारे बाग का फल हमें ही खिला गए। हम लोगों ने अमरूद पर डाका डाला। क्यों दीदी, कैसे ही हमारे डकैती? अमृत तो नहीं कोई डकैती, थोड़े ही कहते हैं। तो फिर डकैती किसे कहते हैं? समझ ले, ये रुपए पैसे गहने वाले हैं ना, इन्हें अगर मार पीट कर जोर जबरदस्ती छीन लिया जाए तो होगी डकैती।
डाकू बड़े खराब होते हैं। डाकू बोला हमारे क्या बिगाड़ेंगे? क्या बिगाड़ेंगे? जान से मार डालेंगे बच्चू। अरे बाप रे, तब तो बड़े बुरे हैं ये लोग। इतना वक्त हो गया, न जाने ये बच्चे कहाँ जाके बैठ गए। इन्होंने तो नाक में दम कर रखा है। पढ़ना लिखना तो 22.5, दिन भर डाएं डाएं घूमते रहते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे। माँ जी, मझले भैया बोले हैं भात दोगी? दूंगी, जरूर दूंगी। आपके ये मझले भैया राजकुमार जी नहा ले क्या? तुम भात दोगी तो नहाने जाएंगे। ओफ, ये सारे के सारे मुझे पागल कर देंगे। कहीं कुछ नहीं, बस अचानक हुकुम दाग दिया तो क्या कह दूं? कह दे, नहाने के बाद राजकुमार जी पधारे, ठूसे और मेरा उधार करे। ठीक है, कह देती हूँ। क्या बोलेगी? वही जो आपने कहा। कहूंगी जल्दी आकर ठूसो और माँ जी का उधार करो। हाय राम, तुझे कुछ नहीं करना देवी जी, कुछ नहीं करना, तू जा। सुबह से काम काम और काम। इस घर में तो सभी लोग पागल हैं, सारा खानदान पागल है, और जो काम करने आता है पागल हो जाता है। अरे नरू आ गया क्या? नहीं, तुम्हें रूना सुधा दिखाई पड़ी कहीं? नहीं तो बुला लाओ, अभी लाता हूँ उन्हें। सुनो, तुम पहले पूरी बात सुन लिया करो, समझे? नहा लिए? वो नारू का तीर कमन है ना, उसे फेंक दो। अच्छा, इतनी मुश्किल से? नहीं फेंकना छोटा, मतलब अभी अभी तो बनाकर उठाऊं उसे। तो फिर एक काम करो, एक तीर कमान चढ़ा कर मेरी छाती पे दाग दो। तुम सब बच जाओ, मैं भी छुट्टी पालू। ठीक है, तब ऐसा कहीं होता क्या? लगता है इस वक्त तुम गुस्से में हो। इतनी देर बात समझे क्यों? ये हो गया ना कि बस कुछ मत पूछो। क्यों, कैसा हो गया है? यही कि उसे तीर कमान बनाकर अभी फौरन देना होगा, नहीं दिया तो बस माथा गरम। छोटका, मैं आता हूँ, वो क्या है? ओ ये, अरे वो तो ये, उसे क्या कहते हैं? खपची मचान है। छोटका भी आता है, ये तो ठीक माया है, ठीक माया। हाँ। मेरा है ना? हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे भाई ये तो उसका, मतलब। ऐसा तुम दे देना। ए, वक्त कितना हुआ उसका भी कुछ ख्याल है? इस नारू ने देर करवा दी। माँ माँ ये देखो ढेर सारे अमरूद, मेरे कब्र पे डाल देना सारे। अरे वाह, क्या बढ़िया बनाए, अब तो सारे डाकुओं को मार मार के भुट्टा बनाऊंगा। लो, ये भी बापू बन बैठा, दिन रात खाली डाकू आओ डाकू। बनेगा कैसे नहीं, बाप जो दिन रात डाकुओं के ध्यान में है। ये देख, ये जो डोरी है ना, इसे चिल्ला कहते हैं। इस पर यहाँ तीर जमा कर इस तरह से खींचा जाता है। अब समझे? ये नाटक के चलता रहेगा, ये कुछ ठूसने उसने का काम भी पूरा होगा। तीनों एक चाय दे। अरे हरुदा, आज इतनी जल्दी? अरे जल्दी कहाँ है, अभी तो शाम के 4:30 बजे। हाँ, तो देर से दफ्तर जाऊंगा, फिर दफ्तर छोड़ूंगा भी देर से, भला ये कोई बात हुई? ये तीनों जरा होशियारी से रहा कर, आजकल जमाना बहुत बुरा है। क्यों, क्या बात है? अरे देखता नहीं, चारों ओर चोर डाकू बढ़ते ही जा रहे हैं। नहीं नहीं हरुदा, हमारे गांव में ऐसी कोई बात नहीं। तू लाख नाना कर, पर मैं सुनने वाला नहीं। तुझे पता है, कल अपने ही घर खुल्लम खुल्ला डाका पड़ा। अच्छा? दोनों हाथों में जलती मशालें, बाकी हाथों में चमचमाती तलवारें। अरे नवीन ने तो कुछ नहीं बताया। अरे नवीन क्या बताएगा, देखा तो है मैंने इन दोनों आंखों से। जरा सावधानी से रहो। Oh!
कहाँ चले जल्दी जल्दी, लेने तेल नून हल्दी। नहीं नहीं नहीं, घर जा रहा हूँ। घर? कौन सा घर? राजा का घर? नहीं अपने घर। क्यों नहीं चले जाते यमराज के घर? यमराज लाल लाल फटी फटी आंखों से ताकता रहता है, गुस्से में इधर उधर झांकता। बहुत ही भयानक। चंबावा अगर लगे नाचने, ऊपर उठा हाथ पर, तुम भी बस धुल जाओ पीपल या बरगद के सामने। जी रात होने को है। रात? अभी तो शाम है। मूर्ख। कौन? तुम। रात आ रही है, सनसनाती झनझनाती कनकनाती करती हुई सबद। ओ बूढ़े भगवान बाबा, हो गए न जबत। सचमुच लाल आंखें, सिर पे हाथों में चमचमाती खुली तलवारें, वो देखो उस तरफ कौन उधर, सारे बच्चे आ रहे हैं। अंधेरी रात, सिर पर झूल रहे हैं डकैतों के हाथ। दो रुपया दो। मक्षदा? अरे ये मक्षदा, ओफ, ये भी एक नमूना है। कब कहाँ रहती है कुछ समझ में नहीं आता। भाभी, भाभी मुझे बुला रही थी क्या? नहीं। ओ मैंने समझा। अच्छा देवर जी, बदन पर इतना सारा साबुन रगड़ने के बजाय थोड़ा सा सोडा तुम कानों के अंदर डालकर मैल क्यों नहीं साफ कर लेते, ताकि हमारे बातें तो कम से कम साफ साफ सुन सको। पर मैंने तो साफ साफ सुना भाभी, तुम मुझे ही बुला रही थी। नहीं, साफ साफ तुमने गलत सुना, मैं तो मक्षदा को बुला रही थी। अच्छा ठहरो। मक्षदा, मक्षदा, काम के वक्त ना जाने कहां मर जाती है कम वक्त। रोज की एक कीच कीच आज निपटा ही देता हूँ, आज इस पर या उस पर। क्षमा कीजिए देवर जी, मैं माफी मांगती हूँ, मेरा तो कहना ही कसूर हो गया। मेहरबानी करके तुम अपने काम पर जाओ। अच्छा। ओह, ऐसी गृहस्थी में आदमी जी सकते हैं भला? सिर पे उनके बिखरे बिखरे झबड़े झबड़े बाल, कानों में ये छुटे फूल, जवा लाल लाल। तब तो वो लोग बहुत ही बुरे होंगे। कितने डाकू थे दीदी? जिसने कविता लिखी थी उसने ये बात नहीं लिखी, अब ये सब बातें कवि लोग थोड़े ही लिखते हैं। अरे बुद्धू, इतना भी नहीं समझता, जिसने लिखी है उसे शायद गिनती नहीं आती होगी। कविता किसकी है दीदी? रविंद्रनाथ ठाकुर की। अच्छा अच्छा, अरे वो क्या जो कविता है उनकी, याद नहीं आ रही है इस वक्त। वीर पुरुष। वीर पुरुष? अरे कौन कौन है वीर पुरुष? कोई नहीं, खासकर अपने बापू तो नहीं। तो फिर ये वीर पुरुष की चर्चा क्यों हो रही थी? अगले सोमवार नारू के स्कूल में एक नाटक होगा, उसमें रविन्द्रनाथ की वीर पुरुष कविता पर आधारित नाटक पेश करेंगे उसके सारे बच्चे। आपको वही कविता पढ़कर सुना रही थी। वाह वाह, बहुत अच्छा। तुम जाओगे ना छोटे देखने? अरे हाँ हाँ, जरूर जाएंगे। या बाप रे, मोक्षदा बहुत थक गया हूँ। अरे ओ मोक्षदा, जरा एक गिलास पानी देना। पानी किसने दिया? कमरे में तो कोई नहीं, किसने दिया पानी? तो फिर कौन था? था चुप है, जरूर कोई खतरनाक डाकू है। पट्टे की नजर मुझ पर ही है, बचाओ बचाओ, डाकू आया। आज फिर क्या हो गया? क्या हो गया?
फिर तो पूछो क्या नहीं हुआ। आज तो कमरे के अंदर क्या सांप? सांप? सांप नहीं, सांप का बाप। बापू आज कोई बिल्ली देखी ना कोई उल्लू देखा? हम में कौन तुम्हें डाकू लगता है? ये अजीब बात है, तुम लोग क्यों डाकू होने लगे? भाभी तो ठीक ही कह रहे हैं भैया, हम लोगों के सिवा इस कमरे में और है कौन? हाँ कोई नहीं है। तुम लोग कहना चाहते हो कि इस कमरे में और कोई है ही नहीं, तो फिर ये क्या है? ये एक ग्लास। किसने दिया मुझे? अब हमें कैसे पता किसने दिया? मुझे पता है। किसने दिया? डाकू ने अपने हाथों से पानी में जहर घोलकर मुझे मार डालने की साजिश की है। क्यों अब सब चुप क्यों हो? पैरों में गुदगुदी दे रहा है, जरा हिम्मत तो देखो, देखो देखो ना। भैया यही है क्या तुम्हारा वो डाकू? क्यों रे मक्षदा, तुझे चारों ओर आवाज देती फिरी और तू यहाँ पड़ी पड़ी सो रही है? सो रही है? अरे अकेले तो नहीं मारी गई तेरी? तुम लोगों के मारे तो नाक में दम है, बहुत तंग करते हो, बड़ा लगता है। अरे चल उठ उठ। चल चल। अच्छा अच्छा उठ रही हूँ, सोने भी नहीं देते। मेरी किसी बात पर ध्यान न देना तुम लोगों की आदत सी बन गई है। अभी नहीं सुनते हो, सोचते हो मैं सब कुछ गलत बोलता हूँ। अरे जिस दिन सच डाकुओं के पल पड़ जाओगे ना, उस दिन पता चल जाएगा डाले का भाव। अरे तुम जैसे झूठे डाकुओं के पल्ले सारी जिंदगी पड़ने के बजाय अगर एक दिन सचमुच डाकुओं के पल्ले पड़ जाना ज्यादा बेहतर है। कितनी निठुरा रमणी हो तुम। तुम ये चाहती हो कि मैं सचमुच डाकू के हाथ पड़ जाऊं? क्यों? अगर पड़ जाओगे तो बुरा क्या है? मैं तुम्हारी मानसिकता से अत्यधिक आहत हुआ। हाथ होने से आहत होना ज्यादा बेहतर है। जरा हट के बैठो, मुझे सोने दो, छोड़ो। अरे बैठो चुपचाप। जिस दिन अपनी बहादुरी में साबित कर दिखाऊंगा उस दिन समझोगी। अरे पहले करके तो दिखाओ तब ना समझो, तुम कितने बड़े बड़ पुरुष हो। चलो हटो। क्यों रे तुम सब कहाँ गए थे? बिन्नी बुआ के घर। बापू दफ्तर जा रहे हो क्या? हमारे लिए क्या लाओगे? बापू संतरे लाओगे? लाऊंगा। बापू हमारे स्कूल में नाटक देखने जाओगे? जाऊंगा। कौन सा नाटक है? कौन सा नाटक है दीदी? रविन्द्रनाथ का वीर पुरुष। हाँ बाबू बहुत ही बढ़िया नाटक है, डाकू वाला। डाकू? सुनो मेरा जी बहुत ही खराब है, मेरे जी को कष्ट न दो तुम लोग। दीदी बापू क्या पागल हो गए हैं? पता नहीं, चल। सवा सवा
ले सतीश मार। जी जी, ये दक्षिण पड़ा के साथ कोई भला आदमी मैच रखता है क्या? सच, तुमने ठीक ही कहा। इतना फाउल खेलते हैं कि कुछ ना पूछो। पिछले खेल में ऐसा मारा मेरे पैर में कि अभी तक दर्द है। ये उपेन भी अजब है, फिर रख दिया मैच उन्हीं के साथ। यार, उन्हें हमें खेल कर दिखाना है कि हम भी उनसे कुछ कम नहीं है। हाँ, ले पकड़। इससे कुछ सबक मिलने वाला नहीं उनको। ठंड मुसंड खेलते हैं सारे। सूरत सकले भी वैसे जैसे अभी अभी जंगल से पकड़ कर लाए गए हो। एक एक जानवर है मुस्टंडे। जानवर नहीं, डाकू बोल डाकू। अच्छी याद दिलाई, डाकू से याद आ गया। उस दिन नवीन भैया के घर क्या हुआ था रे? क्यों, क्या हुआ था? किसने कहा? अपने घर से कुछ हवाला सुनाई पड़ रहा था। मैंने भी सुना था, दूसरे दिन पूछता पर याद ही नहीं रहा। पता नहीं, कुछ होगा कुछ, हर तरफ कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। अब कौन इतना ख्याल रखे। अरे वो देखो नवीन भाई आ रहे, उनसे पूछो। नवीन भाई, ओ नवीन भाई, इधर इस तरफ। क्या बात है, उस दिन तुम्हारे घर कौन चिल्ला रहा था इतना? कुछ ना पूछ, भैया का हंगामा था सारा। भैया आजकल दिन दहाड़े अली गली सड़कों पर डाकू ही डाकू देखते हैं। सचमुच जमाना बड़ा बुरा है, शायद देखते हो। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम सब तो जानते ही हो, भैया जरा सन की दिमाग के है। कलकत्ता से फिर कब आएंगे? एक महीने बाद। एक महीने बाद? हाँ। ऐसे समय तो मता जय भवानी मैया, लूटो पकड़ो मारो मैया। अरे ये क्या? क्या कर रहा है तू? अरे उस दिन हमने बताया ना तुम्हें, मैं तुम्हें एक नाटक सुनाला। अच्छा अच्छा, तो ये सब होगा क्या? हाँ बापू, एक बच्चे ने अकेले ही सारे डाकू मार डाले। तक मूर्ख कहीं का, ऐसा कहीं होता है क्या? मैं बता नहीं, बहादुर लोग सब कुछ कर सकते हैं। बच्चा जो बहादुर था, वीर पुरुष। वीर पुरुष। नमस्कार, लीजिए अब प्रस्तुत है रविंद्रनाथ के वीर पुरुष का हिंदी नाट्य रूपांतर। बस अब शुरू होने ही वाला है, समझ लो घूमकर विदेश बदस्तूर, माँ को लिए जा रहा हूँ बहुत दूर। Thank you.
बड़ी बड़ी थी आंखें उनकी खूनी लाल मटकती तलवारें थी खुली हाथ में चमचम से चमकती हम भी खूब बड़े झुंड में छीने खुली तलवार मारो मारो बचना पाए चिल्लाया डाकू सरदार किया सामना डट के डाकू कार गिराए फारे बाकी अपनी लाज बचाए ऐसे हमने प्यारे संभाल के अरे ये सब कौन आ रहे हैं कोई भी आए फिक्र किस बात की मैं जो हूं जय भवानी मैया जय भवानी मैया नाम है हारू की रानी मैं कितना बड़ा वीर हूं नाटक खत्म चलेगा सब मेरी छतरी कहाँ गई आंखें फार कर तो देखो मिल जाएगी सच आंखें भी जवाब देने लगी आस्ताश के अड्डे ना जाकर जरा जल्दी लौटना क्यों कोई खास बात है क्या आज हम बच्चों को लेकर मंदिर जाएंगे माँ के भजन सुनने ठीक है चली जाना घर खाली पड़ जाएगा इसलिए कह रही हूँ नवीन के लौटने का भी कोई ठिकाना नहीं पता नहीं कब लौटे बक्षुदा अकेली रह जाती है अच्छा अच्छा कोई बात नहीं मैं जल्दी आ जाऊंगा आजकल के दिन ही कुछ ऐसे हैं पता नहीं कब चोर डाक
अंधे को एक आना दे दे बाबा, अंधे को एक आना दे दे बाबा, अंधे को एक आना दे दे बाबा, बाबा अंधे को एक आना दे दे बाबा, अंधे को एक आना दे दे बाबा, अंधे को एक आना दे बाबा, अंधे को एक आना दे दे बाबा, एक आना दे दे बाबा, अंधे को एक आना दे दे बाबा। अब पलाश पूरी उतरेंगे ना? हाँ हाँ, सावधानी से जाइएगा। देखिए ना, लिखा है पलाशपुर गांव में दिन दहाड़े डकैती हो रही है। उनके दिन क्या हो रहा है? क्यों मास्टर जी, सब ठीक ठाक है? काम वाम चल रहा है ना? लीजिए, एक बात पूछो। हाँ तीनों, चाय दे जल्दी फटाफट। अजी बैठिए भी, जाएंगे तो वही ताश के अड्डे पर। अरे नहीं भाई, सीधे घर जाना है। क्यों? ओ मैं तो भूल ही गया था कि आज आपका हफ्ता का दिन है। अरे नहीं नहीं, उसके लिए नहीं, तेरी भाभी मंदिर जाएगी कथकथा सुनने, घर सूना पड़ जाएगा। भाभी ने तो आपको अच्छा ही काम दिया है। तीनों, जमाना बड़ा बुरा है, पता नहीं कब। ये आदमी कुछ गड़बड़ मालूम होता है। पहचाना नहीं इसे? नहीं। अरे हमारे राय बाबू का घर का दरबार है, टेकू। देखने में तो डाकू ही मालूम होता है, पहले डाकू ही रहा होगा। रथ, वो बेचारा बहुत ही भला आदमी है। अरे तेनू, आजकल कोई किसी का भरोसा नहीं। नहीं, ज्यादा देर नहीं करूंगा, पैसा कल दो। ठीक है ठीक है ठीक है। चारू दादा कहीं रास्ते में चक्कर ना खा जाए। देखिए ना, लिखा है पलाशपुर गांव में दिन दहाड़े डकैती हो रही है। अरे बाप रे, ये कौन है? कहीं डाकू तो नहीं? अब और नहीं दौड़ा जाता, बिल्कुल थक गया हूं। इतनी उम्र में भला और कहां तक दौड़ लगाऊं? लगता है इतनी देर बाद अब कमबख्त की आंखों में धूल झोंक सका हूं।
जय माँ जगदम्बे, 2 रुपए की पूजा दूंगा माँ, मेरी रक्षा करना, मुझे बचाना माँ, मुझे बचाना। अरे हारू बाबू, तू आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं। ही चला रहा है, लगता है डाकू है। अब कहाँ मालूम है इसे, आज घर में कोई नहीं है, मर गया आज। मेरे साथ साथ ये भी खेत में उतर आया है। अरे वाह, मेरा पीछा तो बिल्कुल छोड़ता ही नहीं। जरूर इसे पता चल गया है कि मेरे बैग में तनख्वाह के रुपए हैं। आज तो मैं मर गया और दौड़ा नहीं जाता। जो कुछ भी है सब मेरे हवाले करो, नहीं तो देख रहे हो ना यह चाकू, मूठ के साथ पूरा उतार दूंगा पेट में। मेरे पास कुछ भी नहीं है, सच बोल रहा हूँ, यकीन मानो। खामोश, झूठा कहीं कर। बोल, तनख्वाह के रुपए कहाँ रखे? बैग में? इसे मत लेना, ये तनख्वाह के रुपए हैं, तुम छीन लोगे तो मेरा घर भर भूखा मर जाएगा। चुप, चल हवाले कर। कहता हूँ बैग मेरे हवाले कर, दे मुझे, जिंदा रहना है कि नहीं, निकाल सारे रुपए, नहीं तो फिर दे क्या चाकू। मुझे जान से मत मारो, जान से मत मारो, ये रहा बैग, लो, मुझे छोड़ दो। इतने इतने सारे रुपए, ये सारे रुपए मेरे हैं, सिर्फ मेरे, अकेले के। तो मुझे छोड़ दो, रुपए तो ले चुके ना। चुप, छोड़ दूं? तुझे जिंदा छोड़ दूं? हरगिज नहीं। छोड़ दूंगा तो पकड़वा नहीं देगा मुझे, इसलिए। इस तरह से मरना नहीं चाहता, किसी हालत में भी नहीं। जैसे भी हो उसके हाथों से मुझे मुझे बचना ही होगा। हाँ, बचना ही होगा। अब मैं चौड़ी सड़क पे आ गया हूं, अब मुझे किसी का डर नहीं। कौन हो तुम? जी मेरा नाम गगन सावंत है। कहाँ रहते हो? जी चातरा गांव। तो फिर यहाँ कैसे? जी मेरे पिताजी घटक है, मतलब शादी विवाह करवाते हैं, उन्होंने ही मुझे यहाँ बलराम बाबू के घर भेजा है। तो मेरे पीछे पीछे क्यों? जी उस चेकर बाबू ने बताया कि। कौन? चीतू ने? जी क्या बताया, मेरी शादी नहीं हुई? ठहरो अभी देखता हूँ। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने यहाँ पर आकर। बलराम बाबू का मकान कहाँ पर है जरा आप बताएंगे? ओहो, थोड़ी देर पहले बताया होता, अभी अभी तो हरुदा यही थे। वो जा रहा है हरुदा।
उनके पीछे पीछे चले जाइए, उनके बगल का मकान ही बलराम बाबू का है। अच्छा तो ये बात है। अरे भाई नजदीक आकर ही बोल देते। जी मैंने सोचा आप खामखा नाराज होंगे, तभी पीछे पीछे चल दिया। तो तुम इस तरह पूरी चादर ओढ़े मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे थे? जी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा था अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो साथ में चादर अवश्य रखना। खैर कोई बात नहीं, चलो। तुम बस एक डाकू भी सही डाकू नहीं निकला। आप क्या हर रोज इसी तरह कूदते फाते बिहार जंगलों से गुजरते दफ्तर से घर लौटते हैं? हा? अरे नहीं भाई, सुबह शाम इस तरह दौड़ने से शरीर ठीक रहता है। बापू आज भला क्या सचमुच का डाकू था? डाकू? अरे डाकुओं का भी बाप था, मैं भी कुछ कम नहीं, ललकारा। अरे ओ डाकू के बच्चे इधर आ, सामने मुकाबले पर हो जाए एक एक हाथ। भुलैया करती इंसान को गुमराह, कोशिश करो समझने की कुछ हमरा ही की चाह। हिम्मत से लो काम बने फिर हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान है भैया हर मुश्किल आसान। उम्मीदों के चंद खिलौने कच्चे बने घरों दे, सस्ती है तो बस जिंदगी, महंगे सारे सौदे। इनकी भी है दुनिया अपनी, अपने हैं अरमान, सफर दूर या हो करीब का दिलवर बना के चल। प्यार मोहब्बत की धन दौलत जी भर लुटा के चल, तो ना हो पछताना। हरगिज ठीक नहीं भरम में सब बोले भरमाना, अनहोने से बच कर चलना ही जीने की शान। भले बुरे की समझ जिसे है लोगों की पहचान, दुनियादारी की राहों पर खरा वही इंसान। भले बुरे की समझ जिसे है लोगों की पहचान, लोगों की पहचान, लोगों की पहचान, लोगों की पहचान। बंधुरा आमादेर ए अनुष्ठानटी जदि आपनादेर भालो लेगे थाके ताहले अवश्य लाइक शेयर एवं सबस्क्राइब करुन।